आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में इस वक्त मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कौम अपने मोहसिन के क्याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली अनथक और नाकाबिल फरामोश खिदमात को खिराज तहसीन पेश करेगी। सुबह बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स से मज़ार कायद के गार्ड के फ़राइज संभालेंगे। अब हम आपको आज की तकरीब की तरफ लिए चलते हैं। मुआज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त अकेडमी सूबेदार मेजर ज़फ़र इकबाल, जिनका ताल्लुक थी आर्मर्ड कोर से है, बलाई चबूतरे पर अपनी जगह ले रहे हैं। अब अकेडमी सूबेदार मेजर एजाजी गार्ड को बलाई चबूतरे पर आने का हुक्म देंगे। आज़म के मज़ार की तरफ बढ़ रहा है। कदम उठाओ इस तरह के जमीन का दिल दहल उठे, नारे गर्म हो कि चराग चल उठे, कहाँ की गोर क्या कफन, भड़े चलो भड़े चलो, मुजाहिदीने सब शिकन, भड़े चलो भड़े चलो। नाज़रीन, अब अकेडमी सूबेदार मेजर गार्ड को तरतीब देंगे, जिसके बाद गार्ड की कमान परेड एजुटेंट के हवाले कर दी जाएगी।
आपके सामने मजार की बाएं जानिब से परेड एजुडेंट मेजर सुलेमान मसूद, जिनका ताल्लुक 19 सिंध रेजिमेंट से है, मजार के बालाई चबूतरे की तरफ रवा हैं और अपनी जगह पर पहुंचकर वो गार्ड की कमान संभालेंगे। खवातीनों हजरात, जैसा कि आपने देखा, परेड एजुडेंट की आमद के बाद अकेडमी सूबेदार मेजर ने गार्ड की कमान परेड एजुडेंट के सुपुर्द कर दी है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों हज़रात, परेड एजुडेंट ने गार्ड की कमान संभालने के बाद परचम पार्टी को बलाई चबूतरे पर आने का हुक्म दे दिया है। ख्वातीन हज़रात, आप इस वक्त कौमी परचम, कायदे आज़म बैनर और एकेडमी निशान को मज़ारे कायद के बालाई चबूतरे की जानब बढ़ते हुए देख सकते हैं। आपके सामने से गुजरने वाला यह दस्ता फौजी इस्तलाह में परचम पार्टी कहलाता है। चाको चौबंद और मुस्तैद नौजवान
पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की मुकद्दस तरीन रवायतों के आलम बरदार हैं। परचम पार्टी में 5 परचम शामिल हैं, दाई जानब कौमी आलम और बाई जानब कायदे आजम परचम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी को नवंबर 1948 में गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन ने अता किया। इसके अलावा हर बटालियन का अपना परचम है जिसको बटालियन कलर भी कहा जा सकता है। सोनी धरती के पाले हैं हम, जांबाज दलेर जियाले हैं हम, तुझसे है पहचान हमारी, तेरी शौकत शान है हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हैं हम। पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान। पीएमए में लॉन्ग कोर्स के अलावा दीगर कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड कोर्स, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, मुजाहिद कोर्स और लेडी कैडेट कोर्स शामिल हैं। लेडी कैडेट कोर्स की ट्रेनिंग का दौरान यह 6 माह है और पास आउट होने वाली लेडी कैडेट्स पाक फौज की मुख्तलिफ स्पोर्टिंग आर्म्स में शमूलियत इख्तियार करती हैं। इन आर्म्स में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, रिमाउंड वेटनरी एंड फार्म को, आर्मी सर्विस कोर, ऑर्डिनेंस, सिग्नल्स, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, आर्मी एजुकेशन कोर और इंजीनियर्स शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ नासरी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को सिलेक्शन के लिए बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स कायम हैं। इन सेंटर्स में चंद इब्तदाई टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद कामयाब उम्मीदवारों को इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि कराची, गुजरांवाला और कोहाट में मौजूद है, में बुलाया जाता है। यहां 4 दिन के कायाम के दौरान
मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी और जिस्मानी टेस्ट होते हैं। इन मराहल में कामयाबी के बाद आखिरी मरहला मेडिकल फिटनेस का होता है, जिसके बाद मिलिट्री अकेडमी में बतौर जेंटलमैन कैडेट या लेडी कैडेट तरबियत का आगाज करते हैं। नाज़रीन बाबा कौम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कराची से ये तकरीब आप बराह रास्त देख रहे हैं, जहां मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। पीएमए के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालने हैं। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स गार्ड्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। कौम अपने मोहसिन की कयाम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली अनथक और नाकाबले फरामोश खिदमात को खिराज तहसीन पेश करेगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अब मेहमान ख़ुसूसी थोड़ी देर में मज़ार क़ायद पर तशरीफ़ लाएंगे। उनकी आमद पर परेड उनको सलामी पेश करेगी। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल मोहम्मद अली हलाल इम्तियाज मिलिट्री मज़ार कायद पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मेजर जनरल मोहम्मद अली हलाल इम्तियाज मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 38वें कमांडेंट हैं। कमांडेंट ने अपनी सर्विस में 3 सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट अटली हेडक्वार्टर अटली आर्मर्ड डिवीजन इन्फेंट्री ब्रिगेड स्ट्रेटेजिक फोर्स साउथ डिवीजन और इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड की है। मेहमान खसूसी के हमरा बटालियन कमांडर 2nd पाकिस्तान बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल फहद याकूब आवान और ग्रेड 1 ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जावेद गफ्फार हैं। खवातीनों हजरात, अब गार्ड मेहमान खसूसी को जनरल सलाम पेश करेगी। नाज़रीन, आप परेड एडजुटेंट मेहमान खसूसी को गार्ड के मुआयने की दावत देंगे।
पाकिस्तान। मिलिट्री मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की पेशावराना तरबियत के तहत बहुत से दोस्त ममालिक अपने मुल्क के कैडेट्स को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में तरबियत के लिए भेजते हैं और ये कैडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से फारिग़ तहसील होकर अपने मुल्क में अस्करी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, कराची से ये मनाज़र अब अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर बराह रास्त देख रहे हैं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर PMA मेजर जनरल मोहम्मद अली हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री परेड का मुआयना कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से मुंतखब कैडेट्स बेशतर बैरूनी ममालिक की मिलिट्री अकेडमीज़ में ज़ेरे तरबियत हैं, जिनमें मिलिट्री अकेडमी चाइना, रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट UK, रॉयल मिलिट्री कॉलेज डनशून ऑस्ट्रेलिया, जर्मन मिलिट्री अकेडमी, टर्किश मिलिट्री अकेडमी और USA मिलिट्री अकेडमी शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब पूरी कौम की जानिब से बाबाए कौम को कौमी सलाम पेश किया जाएगा, जिसके साथ कौमी तराना भी होगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप एहतरामन खड़े हो जाएं और बावर्दी हज़रात सल्यूट करें। Right here.
मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब इसके बाद परेड एडजुटेंट बदली कमांडर को मज़ारे कायद की गार्ड संभालने का हुक्म देंगे। के पहली बदली अपनी जगह ले चुकी है और अब बदली कमांडर एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अहमद एजाजी गार्ड के फराइज सरंजाम देने के लिए गार्ड को अपनी मखसूस जगह पर तैनाती का हुक्म देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स पाकिस्तान नेवी से गार्ड की जिम्मेदारी संभालते हैं और आज के दिन यानी 25 दिसंबर को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स से गार्ड की जिम्मेदारी संभालते हैं। अब एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर की वर्ड ऑफ कमांड पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का दस्ता कायदे आजम के मजार की गार्ड संभालेगा और अगले 4 माह तक पाक फौज की गार्ड इस मुकद्दस फरीजे को सरंजाम देगी। Thank you.
खवातीनों हजार, अब इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता गार्ड की जिम्मेदारी बखूबी सर अंजाम देकर कायद आजम के मज़ार से रुखसत हो रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की एजाजी गार्ड ने मुकम्मल तौर पर गार्ड के फराइज संभाल लिए हैं। पासबा है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस जहां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अजा है मोहम्मद अली जिना। का इशारा तेरे दुश्मनों पे आफत, तेरे कहर का शरारा, यही बांकपन है तेरा, यही तेरी कचकलाही, मेरे सरबकफ मुजाहिद, मेरे सब शिकन सिपाही। अब मेहमान खसूसी बाबाए कौम की कब्र पर फूलों की रीत रखेंगे, बाद दुआ होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
आमीन। ख़वातीनों हज़रात, अब आबाए कौम को एजाजी सलाम पेश किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों हज़रात, अब कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे।
नाज़रीन, कराची से मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल मोहम्मद अली हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने परेड का मुआयना किया और इस वक्त मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। PMA के कैडेट्स ने अगले 4 माह के लिए मज़ार कायद के गार्ड्स के फ़राइज संभाले हैं। इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स गार्ड्स के फ़राइज अंजाम दे रहे थे। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौमी सलाम भी पेश किया गया। इसके अलावा कौमी तराना पढ़ा गया। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्ला अलैह का यौम पैदाइश आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। कौम अपने मोहसिन की क़याम पाकिस्तान के लिए की जाने वाली अनथक और नाकाबिल फरामोश खिदमात को खिराज तहसीन पेश करेगी। कराची से ये मनाजिर अब बराह रास्त देख रहे हैं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। इस वक्त तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल मोहम्मद अली हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। इससे पहले मेहमान खसूसी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। PMA के कैडेट्स ने अगले 4 माह के लिए मज़ार कायद के गार्ड्स के फ़राइज संभाल लिए हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब आज की तकरीब का आखिरी मरहला यानी गार्ड का मार्च पास्ट होगा और ये तकरीब अपने आखिरी मरहल में पहुंच चुकी है और कुछ ही देर तक गार्ड मार्च पास्ट करेगी। कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे तो फसले कुल किसे अंदेशाए जवाल ना हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहां सदा को गुजरने की भी मिजाल ना हो। यहां जो सब्जा होगे वो हमेशा सरसब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो,
खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। और इसके साथ आज की ये पुरवकार तकरीब अपने